आज फिर हम आपके लिए एक लाइट ट्रेड की मार्केट में एक लाइट ट्रेड की वीडियो लाया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने बीबी ट्रैप के बारे में। जो हमारा बीबी ट्रैप का सेटअप हमने बताया आपको बलिंजर बैंड का, जो 9 से 5 जो वाला बंदा था, जिसका टाइटल ये था कि 9 से 5 जो वाला बंदा भी पैसे कमा सकता है मार्केट में, आज हम उसके लिए एक लाइव ट्रेड की वीडियो लाने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहना, आपको दिखाएंगे कि लाइव मार्केट में भी काम करता है वो सेटअप। हमने वीडियो बना के डाल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो बना दी पीछे मार्केट में काम होने के बाद वीडियो बना दी, जी नहीं दोस्तों। आज हम आपको उसको लाइव मार्केट में भी ट्रेड करके दिखाएंगे। अभी हमको वेट क्या करना है, जो हमारी कंडीशन है उसमें आपको पता है बलिंजर बैंड के बाहर मार्केट पहले क्लोजिंग देनी चाहिए। आज हमको वो सेटअप दिख रहा है, पहले मार्केट ने गैप अप लिया, बट उसके बाद इसने गैप अप लेते ही कैंडल डाउन साइड क्लोज दिया, बलिंजर बैंड के बाहर क्लोज नहीं दिया है, बलिंजर बैंड के अंदर क्लोज दिया है। अब हम वेट करेंगे कि कोई भी एक कैंडल बलिंजर बैंड के बाहर निकले, एक निकले या दो निकले, जब भी निकले उसके बाद अगेन हमें बलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग देगी, तो वहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा, हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि कैसे वो ट्रेड मार्केट में काम करता है। वीडियो में बने रहना दोस्तों, और हम ये चीज़ें हम लाइव मार्केट में अपडेट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों। अभी वेट करेंगे हम यहाँ पे हमारे सेटअप का एक्टिव होने का वेट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, हमारा सेटअप एक्टिव होता है या नहीं, वेट करते हैं अभी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमको क्लोजिंग मिल गई हमारी वी वैप के बलिंजर बैंड के नीचे। आपको सेटिंग हमारी पता है बलिंजर बैंड की, जो हमारी स्कैल्पिंग की रहेगी, हमारी जो 5 मिनट की कैंडल वाला जो सेटअप है हमारा बलिंजर बैंड का, उसके हमने आपको सेटिंग बता रखी है प्रीवियस वीडियो में। अगर जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो देख ले, प्रॉपर आपको वहाँ पे सेटअप समझ में आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पे भी आपको ब्रीफ कर देते हैं। हमारी बलिंजर बैंड की सेटिंग रहेगी, लेंथ हमारी 40 रहेगी यहाँ पे, और मल्ट हमारा 2 ही रहेगा दोस्तों। स्टाइल आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो वी वैप, तो हमने इसलिए लगा रखा है कि एक प्रॉपर एसएल मिल जाता है, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो वहाँ पे वी वैप की सहायता से एसएल को ना छोटा कर सकते हैं। वी वैप की सहायता से एसएल को छोटा हम इसलिए कर सकते हैं कि अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रहा है और उसके बाद मार्केट में 2 कैंडल या 3 कैंडल वी वैप के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हमें वहाँ पे 50% बुक कर लेना चाहिए या एसएल को ट्रेल कर लेना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सेटअप को भी फॉलो करोगे तब भी आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमको क्लोजिंग मिल चुकी है हमारी, अब हम वेट करेंगे। हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हुआ है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, हम इसका एसएल रखेंगे और वेट करेंगे। इसका एसएल दोस्तों क्लोजिंग का रहेगा हमारा, हमारा यहाँ पे एसएल क्लोजिंग का रहेगा, कैंडल क्लोज होनी चाहिए हमारी यहाँ पे। अभी हमारा डाटा भी धीरे धीरे निगेटिव हो रहा है, हम डाटा को अगर इसके साथ कंबाइन करके चलेंगे तो हमें वहाँ पे और अच्छा टारगेट मिलेगा। अभी हम यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा निफ्टी का डाटा है, निफ्टी का डाटा बहुत ज़बरदस्त है, निगेटिव है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, डाटा पहले पॉजिटिव था, अब थोड़ा सा निगेटिव की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे कोलाइटर इंक्रीज हो रहे हैं। पुट राइटर और कोलाइटर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, एकदम झटके से मूव आएगा। अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बने रहिए वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, आपका कोई डाउट है प्रीवियस वीडियो आपको कैसी लगी लाइव ट्रेड की वो हमको कमेंट करके बताना, शेयर करना किसी भी जो बंदा मार्केट में बिगनर है उसके साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी वेट करते हैं हमारा सेटअप क्या धमाका करता है क्या नहीं। छोटा सा एसएल है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक नॉमिनल सा एसएल है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक नॉमिनल सा एसएल है। और उसके बाद आप टारगेट देखो, हमारा पहला टारगेट हमारा यही रहेगा हमेशा कि हम पहला टारगेट हम मीडियन का लेके चलेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो स्कैल्पर होंगे, और जिनको ट्रेल करना है वो हमारा सेकंड टारगेट बीवी के मीडियम तक का रहेगा जो लोअर मीडियम होगी। तो वेट करेंगे हम, देखते हैं हमारा सेटअप काम करता है या नहीं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या मज़ा आ रहा है, अभी मार्केट नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, अभी देखो मार्केट का मॉर्निंग सेशन है, आप समझो यहाँ पे मार्केट में खेल क्या हो रहा है। यहाँ पे एक तो आज न्यूज है, हिंडनबर्ग की न्यूज आएगी, आज रिपोर्ट आएगी अडानी के अगेंस्ट, देखते हैं वो क्या रहती है, वो पॉजिटिव रहती है निगेटिव रहती है, चांसेस निगेटिव रहने के हैं, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। और दूसरा हमारा सिंपल है कि यहाँ पे डाटा बन रहा है, जितना टाइम लेके जाएगा उतना अच्छा जाएगा, आपको पता है मार्केट में मार्केट जितना होल्ड करके जाएगा वहाँ पे उतना बड़ा मूव देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे निफ्टी का डाटा देख रहे हो, निफ्टी का डाटा ऑलरेडी निगेटिव है, कॉल राइटर इंक्रीज हो चुके हैं, और धीरे धीरे बैंक निफ्टी में भी पुट राइटर कम होते जा रहे हैं और कॉल राइटर इंक्रीज हो रहे हैं। अब वेट करते हैं हमारा सेटअप कैसे काम करेगा, अभी तक हमें प्रॉफिटेबल में प्रॉफिट में ही है, अभी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में रहनी है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं, क्या हमको ये प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, बट हम सेटअप को फॉलो करेंगे। अगर आज इसने एसएल किया
तो ये नेक्स्ट डे टारगेट भी देगा, जितनी ये बनेगा, मतलब अगर आपको एक महीने में 10 बार सेटअप मिलता है तो वहाँ पे आपको 9 टाइम ही आपको टारगेट देगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट इतनी ज़बरदस्त है, जो इसका बैक टेस्ट हमने किया हुआ है और जो भी स्ट्रैटजी हम आपके साथ शेयर करते हैं वो टोटल वर्थ इट होती है। और बैक टेस्ट की हुई स्ट्रैटजी है, कोई भी ऐसे रैंडम सेटअप हम आपके साथ शेयर नहीं करते। धीरे धीरे हमने जितने आप लोगों के साथ सेटअप शेयर किया है यूट्यूब पे, हम उनकी लाइव ट्रेड की वीडियो लाएंगे। कल हमने निफ्टी की जो वीडियो डाली थी लाइव ट्रेड की, आपने वो देखी होगी, शायद आपको पसंद आई होगी। उसमें हमने सारी डाउट्स क्लियर किए हैं, एक एक बारीकी से समझाया है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको यही कोशिश करेंगे कि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाए। जो हमारा 42 का जो 42 का जो सेटअप है हमारा बलिंगर ब्रांड का, उसके ऊपर हमारी ये वीडियो है आज की, देखते हैं क्या रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसे हमारा टारगेट हुआ है, स्कैल्पर्स का हमारा टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों ध्यान रहे आपको क्या करना क्या है, अगर आप यहाँ पे हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो हमारा पहला टारगेट स्कैल्पर वाला ही रहेगा। यहाँ पे 50% हमेशा बुक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 50% अपनी क्वांटिटी जो आपने ले रखी है क्या क्वांटिटी निकालनी है, उसके बाद आपको ऐसा ट्रेड करना है। अब हम यहाँ वेट करेंगे, हमारा स्कैल्पिंग का टारगेट तो डन हो गया है, अब हमारा पूरा टारगेट का वेट करेंगे कि हमारा यहाँ तक का टारगेट हिट हो, हम तब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेट्स सी हमारा मार्केट टारगेट हिट करती है, अब हम अपना एसएल भी ट्रेल करके चलेंगे। दोस्तों ध्यान दें आपको प्रॉफिट जो हमको मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया है, हमको उसको गंवाना भी नहीं है, उसको सेफ भी रख के चलना है। धीरे धीरे काम करेगा ये ट्रेड अपना, देखते हैं अभी सेटअप और हमारा डाटा देखते हैं क्या काम कर रहा है। डाटा हमारा इंक्रीज हो रहा है, कॉल लेटर यहाँ पे टूट गए थे एकदम से, जो स्पाइक आया था, जो आपने ये वाली कैंडल देखी है यहाँ पे, आपको ये कैंडल दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी, ये कैंडल हमारे कॉल लेटर जो टूटे थे, जो हमारे कॉल लेटर ने पोजीशन छोड़ी थी, ये उसकी वजह से आया था। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, अब ये दोबारा से क्रॉस ओवर आ रहा है और ये क्रॉस ओवर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। अब हम यहाँ पे वेट करते हैं कि हमारा टारगेट हिट करता है क्या करता है। निफ्टी में भी हमारा ट्रेड चल रहा है, पर हमारा जो सेटअप है आज बलिंदर बैंड का, वो हमारा निफ्टी में एक्टिव नहीं हुआ था। ये देख रहे हो कि आप यहाँ पे, आप इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, अगर ये बार क्लोजिंग देता तो हमारा सेटअप एक्टिव होता। आज हमारा बैंक निफ्टी में ही सेटअप एक्टिव है। अब वेट करेंगे हम यहाँ तक के हमारे पूरे टारगेट का, और देख रहे होंगे दोस्तों आप अभी तक सेटअप हमारा ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैसे हमारे ट्रेड ने टारगेट हिट किया है, हमारा प्रॉपर टारगेट दिया है, हमको एंट्री दी थी, सिंपल सा सेटअप था, एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी हमें ब्लिंगर बैंड के अंदर और वो हमको यहाँ पे मिली। उसके बाद हमने ये एंट्री बनाई, असल हमारा इसके बाद क्लोजिंग का रहता है, ये हमारी एंट्री थी, फर्स्ट टारगेट हमारा यह था और सेकंड टारगेट हमारा यह था। आप देखो पहली कैंडल में इसने पहला टारगेट दिया, उसके बाद 2-3 कैंडल बनाई छोटी छोटी, उसके बाद दूसरी कैंडल में इसने दूसरा टारगेट दिया। तो ये होता है दोस्तों सेटअप की ताकत, आप समझ रहे हो यहाँ पे, जो हमारा सेटअप है सिंपल सेटअप है। और सिंपल सेटअप की आप एक चीज समझो, आप इसने सोचा नहीं होगा कि ये सेटअप काम भी करता है लाइव मार्केट में। जब आपने वीडियो देखी होगी आपको ये लगा होगा कि ये मार्केट में काम होने के बाद की वीडियो है, काम होने के बाद दुनिया वीडियो बना देती है। जी नहीं दोस्तों, आज हम आपके लिए लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बताया है हमने प्रॉपर कि हमारा सेटअप एक्टिव होने वाला है। हमारा सेटअप एक्टिव हुआ, हमने उसके ऊपर ट्रेड बताया आपको, कहाँ पे एंट्री बनी है, कहाँ पे हमारा ऐसा रहेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगेंस्ट भी गया, उसके बाद इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी हमको, क्योंकि हमारा सेटअप रेडी था, सेटअप को काम करना था अपना, वो सेटअप काम करेगा। यहाँ पे ट्रैप कर रहा था, ट्रैप करने के लिए गया, यहाँ पे जितने कैसल लगे हुए थे उतने कैसल काटे, उसके बाद अगेन देखो आप 3-4 कैंडल में टारगेट हिट। तो दोस्तों इस सेटअप की ताकत को समझो, इसको फॉलो करो आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, हमारा दिन का काम हो गया, यहाँ से 100-150 पॉइंट का मूव हमको ऑप्शन में मिल गया। दोस्तों ऑप्शन में 100-150 पॉइंट काफ़ी होते हैं एक ऑप्शन बायर के लिए। आए मार्केट में 5-10 मिनट वेट किया, सेटअप बना, और अभी 1 घंटा से 1 ही घंटा हुआ, 1 घंटा 10 मिनट हुआ दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 घंटा 10 मिनट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। सेटअप को फॉलो करो, हर सेटअप काम करेगा, हर सेटअप मार्केट में काम करेगा। जो जो सेटअप हमने आपके साथ शेयर किया है यूट्यूब पर, हम उनके ऊपर सबके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लाइव मार्केट में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप चलती मार्केट में डिसीजन लेंगे, कौन सा हमारा सेटअप एक्टिव हो रहा है, कौन सा कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, क्या हमारा एसएल स्टॉप क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, आपको कोई डाउट है तो हमको वो भी कमेंट करके बताइए, आपको प्रॉपर रिजॉल्व किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लाइव मार्केट में अपडेट करते हैं कि हमारा कौन सा सेटअप किस टाइम एक्टिव हो रहा है। लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जितने भी सेटअप है उन पर सब पर वीडियो लाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।